तो न्यूमेरिकल देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, एन एट सिलेंडर फोर स्ट्रोक, एट सिलेंडर, सो नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर दी एनसी, दैट इज एट, फोर स्ट्रोक है तो नंबर ऑफ पावर साइकिल कितना आएगा, कैपिटल एन बाई टू, एन डैश इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई टू। 9 सेंटीमीटर बोर, मीन सिलेंडर डायमीटर इज गिवन, 9 सेंटीमीटर मीन 0.09 मीटर, 8 सेंटीमीटर स्ट्रोक मीन्स कैपिटल एल इज गिवन, विथ कॉम्प्रेशन रेशियो मीन्स आर सी दिया हुआ है कितना है 7, इट इज टेस्टेड एट 4500 आरपीएम, सो कैपिटल एन इज ऑल्सो गिवन, ऑन अ डायनोमीटर विच हैज 50 सेंटीमीटर आर्म, तो 50 सेंटीमीटर आर्म मीन्स होता है दैट इज आर बी, इसको बोलते हैं आर्म लेंथ, दैट इज आर बी, ड्यूरिंग 10 मिनट्स ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना यूज हुआ, 10 मिनट, डायनोमीटर रीडिंग वॉज 42 kg एंड कंज्यूम 4.4 kg, तो डायनोमीटर लोड कितना है मीन्स W माइनस S कितना दिया हुआ है, 42 kg में दिया है, बट मुझे लोड किस में चाहिए, न्यूटन में चाहिए, सो इसका आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट कंज्यूम द 4.4 kg ऑफ गैसोलीन, तो आपको फ्यूल कितना यूज हो रहा है, 4.4 kg फॉर 10 मिनट्स, तो मुझे 10 मिनट्स नहीं चाहिए, मुझे पर सेकेंड चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा 1 मिनट में, फिर मिनट का कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको सेकेंड्स में। सीवी ऑफ गैस, ओके, तो कैपिटल सीवी इज गिवन, मेगा जूल पर केजी बोला है, मुझे सब आंसर जो निकालने हैं वो किलो वैट में, तो यहाँ पे मैं किलो जूल पर केजी यूज करूंगा, ना कि मेगा जूल पर केजी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10:3। फिर एयर का टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, T1 बोल सकते हैं इसको, प्रेशर दिया हुआ है 1 bar, तो P1 इज ऑल्सो गिवन, वॉज सप्लाइड टू द कार्बोरेटर एट द रेट ऑफ 6 kg per minute, ओके, एयर का रेट कितना है 6 kg per minute, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड ब्रेक पावर, ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर BSFC, सो ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन मीन्स BSAC, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मीन्स ETA/BTH, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड एयर फिल रेशियो, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड की है, तो इट विल बिकम अ मास्टर न्यूमेरिकल। सो नंबर ऑफ सिलेंडर NC इज 8, फोर स्ट्रोक इंजन, देयरफॉर n डैश इज इक्वल टू कैपिटल n बाय 2, दैट इज 2250 आरपीएम, सिलेंडर डायमीटर DC इज आल्सो गिवन, सो इसका कन्वर्जन किया मीटर में, स्ट्रोक का भी कन्वर्जन किया मैं मीटर में, कंप्रेशन रेशियो दैट इज RC, दैट इज 7 इज गिवन, स्पीड इज n, 4500 आरपीएम, स्पीड सॉरी आर्म लेंथ तो वो होता है RB, 50 सेंटीमीटर मींस 0.5 मीटर, और टोटल टाइम कितना था टेस्ट का, दैट इज 10 मिनट्स, ओके, तो इसका यूज कहाँ पे होगा वो नीचे होगा, देखते हैं, ब्रेक लोड दिया है आपको 42 kg बोला है, बट लोड होता है न्यूटन में, तो अगेन इसका कन्वर्जन किया न्यूटन में, 9.81 से मल्टीप्लाई करके, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल दिया था, बट 10 मिनट का अगर मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ तो मुझे फ्यूल कितना यूज होता है, 4.4, तो 1 मिनट के लिए कितना लगेगा, तो डिवाइड बाय 10 मिनट्स करने पड़ेंगे, बट मुझे kg पर मिनट मिलेगा, मुझे kg पर सेकेंड चाहिए, सो मैंने क्या किया, इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली आई गॉट 7.33 × 10⁻³ kg/s, अगर मैं इसका कन्वर्जन करके रखता हूँ, मे भी मुझे आगे जाके यूज होगा BSFC में, तो मैंने वहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई करके रखा है, ओके, तो यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट में कन्वर्जन किया, और 1 मिनट को इंटू 60 करके मैंने यहाँ पे आर में कन्वर्ट किया, और आर का कन्वर्जन अगर सेकेंड में करना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 3600, ओके, जस्ट करके रख दो, मे बी आगे जाके यूज होगा। फिर है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, मेगा जूल में दिया था, मुझे आंसर किलो वैट में चाहिए, सो मैंने यहाँ पे किलो जूल पर केजी रखूंगा, एयर प्रॉपर्टीज P1 T1 इज गिवन, प्रेशर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना है × 10⁵, टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्जन करना है। फिर मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज गिवन 6 kg/s पर मिनट, ओके, पर मिनट था, बट फॉर 10 मिनट्स था, वो पर मिनट में ये, क्योंकि टेस्ट कितने टाइम के लिए कंडक्ट हुआ है, 10 मिनट के लिए, तो 6 / 10, देन यू विल गेट 0.1 kg/s, अगर इसका कन्वर्जन करते हैं पर आवर में, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे
3600 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट 360 kg per hour। यहाँ पे मैंने फाइंड आउट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं, बीपी, बीएमईपी, ब्रेक मैन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एयर फ्यूल रेशो, इंडिकेटेड पावर। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा डेटा दिया कि आप आईपीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको इंडिकेटेड प्रेशर आपको गिवन है, मैन इफेक्टिव प्रेशर आपको गिवन, दैट इज 8 bar। फ्रिक्शनल पावर निकालना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है, पिस्टन स्पीड निकालना है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालना है। फिर यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ओके, एक्चुअल एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना है आपको, इफ आर, इफ कंप्रेशन रेशियो इज गिवन, फिर फाइनली आपको निकालना है रिलेटिव एफिशिएंसी। ओके, सो बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 7.8। सो एक काम करता है, न्यूमेरिकल में जो एक्स्ट्रा डेटा है वहीं पे चेंज करता हूँ, अदरवाइज पूरा आंसर चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे 7.8 करता हूँ। सपोज कंप्रेशन रेशियो इज गिवन, दैट इज 7.8, अभी मेरा आंसर स्मैच होता है। ओके, सबसे पहले आपको ब्रेक पावर निकालना है, तो ब्रेक पावर निकालने के लिए आपके पास डेटा क्या क्या गिवन है वो आपको चेक करना है। तो ब्रेक पावर के लिए आपके पास डेटा है, यहाँ पे लोड दिया था, दैट इज अ 42 kg। ओके, लोड दिया है। सेकेंड पावर क्या होता है, दैट इज ओमेगा टी, 2π/16। ओके, ओमेगा टी, टी फॉर टॉर्क, टॉर्क कहाँ से आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, ब्रेक लोड, न्यूटन में पुट करना है। डिस्टेंस क्या आएगा, आर्म लेंथ, दैट इज अ रेडियस। तो लोड इंटू डिस्टेंस यू विल गेट टॉर्क इंटू 2π/60,000। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ब्रेक लोड इंटू आर्म लेंथ 2π/60,000। लोड आपको न्यूटन में पुट किया, रेडियस मीटर में, आरपीएम में, यू विल गेट ब्रेक लोड। नेक्स्ट आपको निकालना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, ब्रेक बोला है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको निकालना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, तो पीएमबी निकालना है। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा, तो यहाँ पे पावर यूज होगा ब्रेक पावर का, और ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक पावर या तो फिर इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला है प्लान डिवाइड बाय 60,000। तो प्लान पी L A N and dash, okay, A for cross sectional area, pi by 4 d square, L that is the stroke length, it is also given, number of cylinder भी given है, and dash यहाँ पे 4 stroke का, तो n by 2 आएगा। okay, break power यहाँ पे मैंने kilowatt में put किया, तो finally I will get newton per meter square। okay, next अगर BSFC पूछते हैं, तो BSFC का formula क्या है, कितना amount of kg for 1 hour use हुआ divided by producing 1 kW, तो m dot f into break power, ये formulas पता है हमें। तो m dot f का value मेरे पास है क्या, सबसे पहले वो check करो, I think it is a given। okay, mass flow rate of fuel मुझे kg per hour में चाहिए, so BSFC में use करूँगा मैं 26.4 divided by break power, और break power I think हम find out कर चुके हैं 97.1, so finally आपको क्या मिलेगा, BSFC, दैट इज केजी पर किलोवाट आवर। अगर बात करते हैं ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन का, तो यहाँ पे एम डॉट एफ के जगह पे आपको क्या यूज करना है, एयर फ्यूल, सॉरी एयर मास फ्लो रेट आपको यूज करना है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, BSFC इज इक्वल टू एम डॉट ए अपॉन ब्रेक पावर। ओके, सो एम डॉट ए भी आपको गिवन है, यहाँ पे BSFC निकाले तो केजी पर आर में पुट करेंगे, दैट इज 360 डिवाइड बाय ब्रेक पावर 97.1। सो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मींस आउटपुट इज इनपुट, इनपुट क्या आएगा, थर्मल है, मींस हीट सप्लाई। तो ब्रेक बोला है इससे ब्रेक पावर डिवाइड बाय हीट सप्लाई, एम डॉट एफ इंटू सी वी, इसको किलोवाट में पुट करना है, एम डॉट एफ आपको केजी पर सेकेंड में पुट करना है, सी वी आपको गिवन है, फाइनली यू विल गेट
0.309, अगर इनटू 100 करते हैं देन यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल, या तो फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला है एक्चुअल मास डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मास, तो ये भी इसका फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर में तो हम एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम, तो एक्चुअल वॉल्यूम हमको निकालना है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल वॉल्यूम, तो एक्चुअल वॉल्यूम कहाँ से आ सकता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी करके, तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, सो एम आर टी डिवाइड बाई पी, तो मास केजी पर सेकंड में, आर जूल पर केजी केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में, और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये सारे वैल्यूज आपको गिवन था, तो यू फाइनली यू विल गेट एक्चुअल वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइव बाय फोर डी स्क्वायर एल, ये तो वॉल्यूम इन टू एन एन डैश, और यहाँ पे आर पी एम का कन्वर्जन सेकेंड में कन्वर्जन के लिए 1/60, रोटेशन पर मिनट था तो रोटेशन पर सेकेंड करने से 1/60 से मल्टीप्लाई किया, finally you will get swept volume. Okay, so right now you have actual volume and also theoretical volume. So find out कर सकते हो volumetric efficiency. Next air fuel ratio m dot a m dot f. I think ये तो starting में initially given था kg per second में put करो या तो फिर kg per hour में put करो, but दोनों भी units same होना चाहिए. Finally you will get air fuel ratio. Next indicated power. If the pressure is given 8 bar, okay, indicated power निकालना है, means PMI निकालना है, तो pressure का एक ही formula plan divided by 60,000, okay, so IP तो आपके पास है, area क्या गया, pi by 4 dc square, L आपको given है, number of cylinder 8 है, n dash यहाँ पे, capital N by 2 है, आपको क्या निकालना है, if the indicated power आपको find out करना है, if the pressure is 8 bar, प्रेशर में 8 बार को नहीं पुट करूंगा, प्रेशर हमेशा हमें यूज करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सो 8 इनटू 10 इज टू 5, फाइनली यू विल गेट आईपी। सो आपके पास ब्रेक पावर भी है, आपके पास इंडिकेटेड पावर भी है, आप क्या कर सकते हो, एफपी भी फाइंड आउट कर सकते हो। एफपी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट इज अ फ्रिक्शनल पावर। नेक्स्ट मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट टू द इनपुट, आउटपुट में क्या होता है ब्रेक पावर, इनपुट में क्या होता है इंडिकेटेड पावर, तो दोनों भी है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पिस्टन स्पीड होता है ट्वाइस एल एम, रोटेशन पर मिनट ट्वाइस एल एम, सो लेंथ मीटर में और रोटेशन रोटेशन पर मिनट होता है, सो यहाँ पे मुझे यूनिट क्या मिलेगा, मीटर पर मिनट, अगर मीटर पर सेकेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 60 करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल है तो हीट सप्लाई आएगा, तो आउटपुट क्या है इंडिकेटेड पावर, इनपुट क्या है हीट सप्लाई, सो इंडिकेटेड थर्मल बोला तो इंडिकेटेड पावर अपॉन हीट सप्लाई किया। नेक्स्ट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल था तो ऑटो साइकिल का एयर स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है 1 - 1/R - γ - 1, कंप्रेशन रेशियो गिवन था 7.8, गामा का वैल्यू 1.4, यू विल गेट एयर स्टैंडर्ड efficiency. And finally, relative efficiency. Relative efficiency क्या होता है? Actual to the theoretical. तो actual क्या होता है? Either break thermal efficiency या तो फिर indicated thermal efficiency. कोई भी आप use कर सकते हैं. Divided by theoretical efficiency क्या होती है? Air standard efficiency. So already we have already found eta BTH या तो फिर eta ATH, मैंने ये दोनों भी सॉल्व कर चुका हूँ और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी मुझे पता है, तो आई विल गेट दिस। ओके, सो डिपेंड करता है आप यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या यूज करें, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी यूज करें या तो फिर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी यूज करें, तो जो बोला जाएगा वो आपको यूज करना है। ओके, सो दिस वॉज अ मास्टर न्यूमरिकल, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमरिकल। Practice it very well. Next question number 2. In a test on a single cylinder 4 stroke diesel engine, number of power stroke kitna hai? Sorry, 4 stroke hai. Number of cylinder single. Diameter means DC is given. Stroke means length is given. mm mein hai.
द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ओके सो कितना आर के लिए कंडक्ट हुआ, 1 आर के लिए, तो टोटल 1 आर में कितना फ्यूल लगा, 7.5 kg। कैलोरीफिक वैल्यू 44,500, सो दिस वैल्यू इज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो उसके कैलोरीफिक वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। टोटल रिवॉल्यूशन, तो टोटल रिवॉल्यूशन 1 घंटे में कितना हुआ, 12,000। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर मीन्स PMI इज गिवन 3.75 bar। नेट ब्रेक लोड मीन्स W माइनस एस गिवन है न्यूटन में। ब्रेक ड्रम डायमीटर, तो ड्रम का डायमीटर एंड फाइनली रोप का डायमीटर इज ऑल्सो गिवन। एंड जैकेट कूलिंग वाटर का टेम्परेचर है, कूलिंग वाटर का केजी दिया है, मीन्स मास दिया हुआ है, तो 1 आवर में कितना वाटर यूज हुआ, 600 kg। राइजिंग कूलिंग वाटर टेम्परेचर मीन्स डायरेक्टली डेल्टा टी दिया है वाटर का, डेल्टा टी डब्ल्यू गिवन है। टोटल एयर कंजम्पशन, तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर में निकाल सकता हूँ, 1 घंटे में कितना यूज हुआ, 361 kg। एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस मीन्स CpG दिया हुआ है, स्पेसिफिक इतने CP ऑफ गैस CpG दिया हुआ है। कैलकुलेट मैकेनिकल एफिशिएंसी इंडिकेटेड एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी एंड ड्रॉ हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट बेसिस, तो जो मिनट बेसिस है उसका कन्वर्जन फाइनली करेंगे लास्ट में। ओके सो सारा डेटा मैंने लिख के लिया, सिंगल सिलेंडर फोर्स्ट हो गया, DC दिया है, L दिया है, टाइम ऑफ टेस्ट 1 आवर, इसको भूलना ही काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना हो रहा है, 7.5 kg पर फॉर 1 आवर है, तो डिवाइड बाय 3600, आपको उसका कन्वर्जन किस में लेकर के लेने, kg पर सेकेंड में। CV ऑफ फ्यूल दिया था, टोटल रिवॉल्यूशन कितना हो रहा है, 12,000 रोटेशन पर आवर हो रहा है, सो इसका अगेन कन्वर्जन किस में करना है, रोटेशन पर मिनट। ओके 200 RPM डिवाइड बाय 60 करके। नेक्स्ट PMI 3.75 दिया था, उसका कन्वर्जन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किया। नेट ब्रेक लोड W माइनस एस दिया था न्यूटन में। फाइनली ब्रेक ड्रम डायमीटर मीन्स DB बोलते हैं, रोप ड्रम डायमीटर डेंसिटी ऑफ सॉरी डायमीटर ऑफ रोप दिया हुआ है। जैकेट कूलिंग वाटर 600 kg अगेन पर आवर था, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 3600 कन्वर्जन करके लिया। राइजिंग कूलिंग वाटर टेम्परेचर डेल्टा TW दिया 42 डिग्री सेल्सियस, भी डिफरेंस जो होता है सेल्सियस एंड केल्विन में सेम होता है। एयर कंजम्पशन दैट इज 361 kg पर आवर, सो डिवाइड बाय 3600। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर TG गिवन था, केल्विन में कन्वर्जन किया। रूम का टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस में गिवन था, केल्विन में कन्वर्ट किया। स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस CpG किलोजूल पर केजी में दिया हुआ है। आपको निकालना है मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट बेसिस। ओके तो सबसे पहले मैकेनिकल एफिशिएंसी होता क्या है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। क्या मुझे डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक पावर दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है। ओके बट मुझे इंडिकेटेड प्रेशर दिया हुआ है, तो मैं PMI को यूज करके मैं IP निकाल सकता हूँ। दूसरा ब्रेक लोड दिया हुआ है, तो लोड का कन्वर्जन टॉर्क में करो, P इज इक्वल टू ओमेगा टी करके मुझे पावर मिल सकता है। और फिर अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे RB दिया नहीं है, तो RB कहाँ से आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, तो ये डायग्राम चेक करो। फिलहाल आपको यहाँ पे मैं अलग कलर यूज करता हूँ, आपको क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर गिवन है। तो फ्लाईव्हील का डायमीटर आपको गिवन है, नेक्स्ट आपको रोप का डायमीटर गिवन है, तो मुझे RB चाहिए। तो RB है चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस और प्लस रोप का डायमीटर। तो रोप का डायमीटर मैं बोलता हूँ DR, और ये जो ड्रम है उसका रेडियस ड्रम का RD। तो RB क्या होगा, रेडियस ऑफ ड्रम प्लस डायमीटर ऑफ रोप। ओके
रेडियस चाहिए, ब्रेक ड्रम डायमीटर चाहिए, तो आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे टोटल डायमीटर ऑफ क्या होगा, ड्रम का डायमीटर, और ये जरा दोनों साइड में यहाँ पे रोप है तो उसका डायमीटर, सो ट्वाइस करना पड़ेगा। ओके, सो बीच वाला सेंटर वाला ड्रम और दोनों तरफ का रोप, तो ट्वाइस डायमीटर ऑफ रोप डिवाइड बाय टू, फाइनली यू विल गेट आरपी। हीट सप्लाई भी मुझे यूज होगा, तो मैंने वहां पे निकाल के लिया एम डॉट एफ इंटू सी वी करके, केजी पर सेकेंड एंड किलो जूल पर केजी में कन्वर्जन करके मुझे किलोवाट में मिला, और मिनट बेसिस में आगे जाके लगने वाला है, सो मैंने यहाँ पे 60 करके केजी पर मिनट में कन्वर्जन करके रख दिया। तो अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, मैंने इफेक्टिव प्रेशर दिया है तो प्लांट डिवाइड बाय 60,000 किया, तो पीए दिया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट किया, डायमीटर दिया है, नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है वन है, पोस्ट हो गए थे एन बाई टू, तो फाइनली यू विल गेट आई पी। ब्रेक फॉर कहाँ से आएगा, तो लोड इन टू आर बी 2.60,000, तो डब्ल्यू दिया है, आर बी हमने निकाला हुआ है, एन आपको पता है, यू विल गेट ब्रेक पावर। ओके, और ब्रेक पावर को भी हम क्या बोलते हैं, क्यू वन, उसका हीट बैलेंस शीट में यूज होने वाला है, सो किलो जूल पर मिनट में मैंने उसको कन्वर्जन किया, तो फाइनली आई विल गेट मैकेनिकल एफिशिएंसी दैट इज बीपी अपॉन आईपी, कितना है 0.828 या तो फिर 82.8%। नेक्स्ट आपको निकालना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होते हैं, आईपी अपॉन हीट सप्लाई, तो आईपी हम निकाल चुके, हीट सप्लाई मैंने फर्स्ट पेज पे निकाला था, तो यू विल गेट आईपी एफिशिएंसी आईटीएच। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मींस ब्रेक पावर अपॉन हीट सप्लाई, तो ब्रेक पावर भी पता है, क्यू भी पता है, यू विल गेट हीटएच। ओके, सो फाइनली हीट बैलेंस शीट में हमने क्यू वन, तो टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूमेरिकल में देखो, टोटल हीट प्रोड्यूस हो रहा है एम डॉट एफ सी वी करके 5562.6 kJ/min। ओके, सो अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ तो लेफ्ट साइड में टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है 5562.6, और वो यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है, ब्रेक पावर में, उसको हमने क्यू वन बोला। अभी Q2 बाकी है, Q3 बाकी है, Q2 कहाँ से आएगा, दैट इज द हीट रिजेक्टेड बाय द कूलिंग वाटर एमसीपी डेल्टा टी। ओके, सो मास फ्लो रेट दिया है, सीपी अगर गिवन नहीं होगा तो कितना लोगे 4.186। ओके, अगर 10:3 करते हो तो आपको यहाँ पे आंसर वैट में मिलेगा, डेल्टा टी डब्ल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे मुझे मिला किलो वैट में, मैंने उसको कन्वर्जन किया मिनट में इंटू 60 करके। सिमिलरली हीट रिजेक्टेड बाय द एग्जॉस्ट गैसेस एम डॉट जी सी पी टी टी जी माइनस, तो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर माइनस इनलेट का एयर का टेम्परेचर, तो एम डॉट जी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से आएगा, एम डॉट ई प्लस एम डॉट एफ करके, तो आपको एयर का एंड फ्यूल का आपको यूज करना है और एम डॉट जी आपको निकालना है। सी पी जी आपको दिया हुआ है 2.08 10^-3, टी जी आपको पता है, टी नॉट आपको पता है, यू विल गेट Q3। और अनअकाउंटेड हीट लॉसेस कहाँ से आएगा, तो टोटल हीट सप्लाई माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, हीट लॉस, अनअकाउंटेड हीट लॉस, जिसका फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट नहीं कर सकता। फाइनली आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, हीट सप्लाई एम डॉट एफ इंटू सी वी करके मुझे मिलेगा, दैट इज 5562, और फिर ये यूटिलाइज कैसे होगा यहाँ पे आउटपुट में, ब्रेक पावर दैट इज Q1, हीट रिजेक्टेड बाय द कूलिंग वाटर, हीट रिजेक्टेड बाय द एग्जॉस्ट गैसेस एंड अनअकाउंटेड हीट लॉसेस। सो ये एनी हाउ इसका एडिशन इनपुट एंड आउटपुट का क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए एनी हाउ, सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल, इन टेस्ट फोर सिलेंडर पोस्ट ऑफ पेट्रोल इंजन। ओके, फोर सिलेंडर मीन्स एन सी इज अ फोर, पोस्टर के तो कितना आएगा एन डैश 4/2, सॉरी एन बाई टू, डायमीटर गिवन है 45 mm, एल सी स्ट्रोक लेंथ गिवन है, फिर बोला है फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन एट अ फुल थ्रोटल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, तो आरपीएम दिया है 2800 rpm विथ फिक्स सेटिंग ऑफ फ्यूल सप्लाई 6 kg/h, सो एम डॉट एफ भी आपको गिवन है पर केजी पर आर में। ओके, फुल थ्रोटल मतलब फुल स्पीड कितना है 2800 rpm। ब्रेक डायनामोमीटर इज यूज विद अ टॉर्क आर्म ऑफ, आर्म बोला है मींस आरबी गिवन है 0.37 m, द नेट ब्रेक लोड इज 160 N, तो डब्ल्यू माइनस एस भी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है मींस एस एफ दिया हुआ है, तो फ्यूल का डेंसिटी मुझे इनडायरेक्टली मिलेगा,
स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी का रिलेशन क्या है इनटू रो डब्ल्यू करना है। रो डब्ल्यू कितना होता है 1000, तो 0.74 इंटू 1000, तो कितना मुझे डेंसिटी मिलेगा 740 kg/m³। फिर मुझे कैलोरीफिक वैल्यू में सीवी दिया हुआ है, बट 10^3 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेगा जूल है, मुझे किलो जूल पर केजी में करना है। द मोस्ट टेस्ट इज कैरिड आउट एंड द सिलेंडर्स आर कट ऑफ इन ऑर्डर 1, 2, 3, 4 करस्पॉन्डिंग द ब्रेक लोड। ओके, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ब्रेक लोड दिया है 110, 107, 104, 110, जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था। तो वन बाय वन अगर मैं कट ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये मिला 110, 107, 104, 110। फाइंड आउट करना है टॉर्क, BMEP, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो देखते हैं, सो यहाँ पे NC4 सिलेंडर पोस्ट हो गया, तो N/2 करके मैंने फाइंड आउट कर दिया। डायमीटर दिया था, लेंथ दिया था, मास फ्लोरेट दिया केजी पर आर में, उसका कन्वर्जन किया मैंने केजी पर सेकंड में। आर्म का रेडियस दिया है, लोड दिया है, इनिशियली कितना था टोटल लोड 160 न्यूटन था। डेंसिटी दिया था, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था 0.74 इंटू रो डब्ल्यू करने के बाद मुझे मिलेगा डेंसिटी 740 kg/m³। सीवी दिया हुआ है और वन बाय वन वहाँ पे क्या करें कट ऑफ करें, तो लोड दिया हुआ है, तो फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ किया तो मुझे मिलेगा W-S1, सेकेंड किया तो W-H2, नेक्स्ट W-S3, W-S4, देन वी हैव टू फाइंड TB, ब्रेकमैन इफेक्टिव प्रेशर, ETA BTH, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ETA ITH। ओके, तो टॉर्क कहाँ से मिलेगा, लोड इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज द W-S इनटू RP। सो सारे वैल्यूज आपको पता है, यू विल गेट टॉर्क, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आपको निकालना है ब्रेकमैन इफेक्टिव प्रेशर, बट ब्रेकमैन इफेक्टिव प्रेशर कहाँ से आएगा, तो वही फॉर्मूला प्लान डिवाइड बाय 60,000, जिसके लिए आपको ब्रेक पावर पता होना चाहिए। तो ब्रेक पावर कहाँ से आएगा, टॉर्क से आएगा, ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स 2π/60,000 इंटू टी। तो अभी हमने टॉर्क फाइंड आउट कर चुके हैं, RPM दिया हुआ है, यू विल गेट ब्रेक पावर। ओके, सो ब्रेक पावर अभी यहाँ पे यूज करो, प्लान डिवाइड बाय 60,000 करो और PM भी निकालो, जिसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, तो थर्मल बोला तो हीट सप्लाई, और ब्रेक है इसलिए ब्रेक पावर डिवाइड बाय M.F × CV, ETA BTH। मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कहाँ से आती है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, आउटपुट टू द इनपुट। तो यहाँ पे मुझे ब्रेक पावर तो मुझे पता है, बट आई डोंट नो इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर कहाँ से आएगा, वही फॉर्मूला ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स 2π/60,000, और यहाँ से मुझे मिलेगा इंडिकेटेड टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इंडिकेटेड लोड इनटू डिस्टेंस। ओके, तो अभी मुझे आरबी तो पता है, बट आई डोंट नो इंडिकेटेड लोड, तो वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था इनिशियली फॉर्मूला लिस्ट में, यहाँ पे फोर सिलेंडर है, तो फोर इंटू W-S इज इक्वल टू माइनस, वो चारों सिलेंडर का कट ऑफ करता तो मुझे मिलेगा लोड। ओके, सो I इज इक्वल टू फोर सिलेंडर था, तो 4 × 160 ये तो इनिशियल गिवन था, तो W-S में ये वैल्यूज आपको गिवन है, यू विल गेट I। तो गाइज ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से आपको मिलेगा इंडिकेटेड लोड, RB आपको पता है, 2π आपको पता है, फाइनली यू विल गेट IP, BP पता, AP पता, यू विल गेट मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, सो इंडिकेटेड पावर अपॉन M.F CV, यू विल गेट इंडिकेटेड। सो गाइस दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन फॉर्मूला लिस्ट। ओके, सो यू डोंट नीड टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट, देर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स आर अवेलेबल इन द टेक्मैक्स एंड दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। तो बेटर होगा कि मास्टर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला लिस्ट को अच्छे से बाहर कर दो, एक बार रिटर्न में इसका प्रैक्टिस कर दो। तो अगर इसका फायदा यह है कि अगर आप इंजन टेस्टिंग के फॉर्मूलाज अगर प्रॉपरली समझते हो, तो आप सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग के न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं, बेसिकली ये तीन ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, टेक्निक्स में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसका एक एक न्यूमेरिकल सिर्फ प्रैक्टिस करना है,
और ये न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करो।